कौन था अल्फा? क्या टाओ का बेटा सच में मर गया था? कैसे टाओ के बेटे ने खुद को प्रूव करके दिखाया? वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको 2018 की प्रीहिस्टोरिक साहसिक फिल्म का रिकैप देने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है अल्फा। 20,000 साल पहले प्रीहिस्टोरिक यूरोप में नेता टाओ के नेतृत्व में शिकारियों का एक छोटा समूह स्टेप बाइसन के झुंड पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। वे भाले की एक दीवार बनाते हैं जिससे बाइसन का झुंड एक चट्टान पर भगदड़ मचा देता है, लेकिन उनमें से तीन पीछे रह जाते हैं और एक विशेष बैल टाओ के केडा के पीछे पड़ जाता है। अपने सींगों से उसे बेरहमी से मारने के बाद यह उसे चट्टान के किनारे तक ले जाता है, जहां टाओ द्वारा अपने भाले से जानवर को मारने के बाद केडा खाई में गिर जाता है। यह सब एक सप्ताह पहले शुरू होता है, जब जनजाति के यूथ को उनके भाला बनाने के स्किल्स पर टेस्ट किया जाता है। केवल केडा और उसका दोस्त कप्पा पास होते हैं, इसलिए उन्हें सर्दी आने से पहले अंतिम शिकार अभियान में शामिल किया जाता है रिचुअल के हिस्से के रूप में, जो उन्हें अब अडल्ट्स के रूप में मार्क करता है। उन्हें अन्य पुरुषों द्वारा भी मार भी खानी पड़ती है, जो उन्हें ये दर्शाता और सिखाता है कि पेन उनकी जर्नी का हिस्सा है, और उन्हें स्थानीय जादूगर द्वारा कैंप फायर के दौरान ब्लेसिंग्स मिलती है। बाद में सोने का नाटक करते हुए केडा ने टाओ और उसकी माँ रो को बात करते हुए सुन लिया। रो को नहीं लगता कि वो शिकार करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो अपने दिल से नेतृत्व करता है, अपने भाले से नहीं। लेकिन टाओ का मानना कि केडा को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और खुद को जनजाति के लिए साबित करना चाहिए। अगली सुबह शिकार दल अपने प्रियजनों को अलविदा कहने और स्थानीय जादूगर का आशीर्वाद पाने के बाद निकल जाता है। रो केडा को सुरक्षा टोकन के रूप में फर का एक अतिरिक्त टुकड़ा भी देती है। पार्टी अपने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए पवित्र पाथ को फॉलो करके पूरे देश की यात्रा शुरू करती है, जिन्होंने रॉक मूर्तियों की एक श्रृंखला बनाई है जो उनके फॉलोअर्स के लिए एक निशान छोड़ती है। उन पर हाथ की पेंटिंग उस दिशा की ओर इशारा करती है जो उन्हें शिकार के मैदान की तरफ ले जाता है। यात्रा के दौरान वे टाओ के एक पुराने दोस्त साई के नेतृत्व में एक और शिकार दल से मिलते हैं, जिसने हाल ही में अपने बेटे को खोया है। फिर दोनों पक्ष एक साथ यात्रा शुरू करते हैं। जब भी उसे मौका मिलता है, केडा अपने पिता के सामने खुद को साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आग नहीं लगा पाता है और अन्य लोगों द्वारा पकड़े गए जंगली सुअर को मारने में भी असमर्थ रहता है, इसलिए वो अपने आप को फेलियर महसूस करता है। एक रात जब वे आग के आसपास खा रहे होते हैं, तो उन्हें अपने पीछे एक शोर सुनाई देता है, इसलिए वे तेजी से एक डिफेंसिव स्थिति में कूद जाते हैं। जब कुछ नहीं आता है तो वे जल्दी से आराम करते हैं, जो एक गलती साबित होती है। एक गुफा से शेर अचानक बाहर कूदता है और कप्पा को ले जाता है, जिसे वो खाने के लिए ले जाता है। अगली सुबह पुरुष कप्पा को एक स्मारक सेवा देने के लिए एक कयन का निर्माण करते हैं, जो किसी की आत्मा के बाद के जीवन के पास ऑन होने का प्रतीक है। यात्रा केवल शिकार और आराम करने के लिए रुकने के साथ जारी है। एक शाम जब उन्हें सोने के लिए एक बड़ी और सुरक्षित गुफा मिलती है, तो टाओ मौका पाता है कि केडा को उसके जैसे ही नक्षत्रों का टैटू बनवाया जाए, इस तरह उसे हमेशा घर का रास्ता मिल जाएगा। इसमें काफी दिन लगते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें डंप का एक निशान मिल जाता है, जो उन्हें स्टेप बाइसन के झुंड के पास ले जाता है, जो कहानी को शुरुआत में वापस लाता है। जैसे ही वो गिरता है, केडा एक खुरदरी चट्टान के किनारे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिसल जाता है और आगे की ओर लैंड हो जाता है, जहां वो अपना एक पैर तुड़वा लेता है और बेहोश हो जाता है। अपने बेटे को बचाने के लिए बेताब टाओ नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ ही शिकारी उसे रोकते हैं, यह बताते हुए कि बहुत देर हो चुकी है। जबकि पुरुष बाइसन को ले जाने के लिए स्लेज लाते हैं, टाओ चट्टान के किनारे पर रहता है और रोता है। अब जबकि उनके शिकार को समान रूप से विभाजित कर दिया गया है, साई की पार्टी अपने घर लौटने के लिए अपने आप निकल जाती है, इसलिए टाओ के समूह के पास अपने नेता को आगे बढ़ने का समय देने से पहले शिविर की एक आखिरी रात है। अगली सुबह टाओ एक और कयन बनाता है, जबकि दूसरी तरफ उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। पार्टी खत्म होने के कई घंटे बाद केडा पर एक गिद्ध उतरता है और उसे खाने की कोशिश करता है। यह उसे जगाता है और उसकी गर्दन को मरोड़ते हुए पक्षी को धक्का देने के बाद उसे उस स्थिति का एहसास होता है जिसमें वो है। अपने टूटे हुए पैर को पीछे खींचकर केडा नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए पर्याप्त खुरदरे किनारे नहीं है पर और एक लंबे कष्टदायी मोमेंट के लिए वो वहीं लटका रहता है। इसके तुरंत बाद एक तूफान आता है और उसके नीचे की जमीन में बाढ़ आना शुरू हो जाती है, इसलिए केडा को समझ में आता है कि उसे क्या करना है और पानी में उतरकर फिर से बेहोश होकर अपनी पकड़ छोड़ देता है। जब वो अगली सुबह उठता है तो बारिश बंद हो जाती है और बाढ़ भी जा चुकी होती है। एक पूडल से पानी पीने और अपने घायल पैर को सहारा देने के बाद केडा धीरे धीरे चट्टान की चोटी पर वापस आ जाता है, जहां उसे वो स्मारक मिलता है जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा था। लेकिन केडा निराशा में इसे तोड़ देता है जब उसे पता चलता है कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है और उसे अब अपने घर का रास्ता खोजना होगा। केडा अकेले यात्रा करना शुरू करता है। वो कीड़े खाता है, अपनी कैंटीन को किसी भी पूडल से भर देता है और रात में शिकारियों से दूर सुरक्षित रूप से सोने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाता है। जब भेड़ियों का एक झुंड उसे दिन के मध्य में पाता है, तो केडा फिर से एक पेड़ के पास दौड़ता है, एक भेड़िए को छुरा घोंप देता है, जब वो अंत में सुरक्षा के लिए चढ़ने से पहले उसका पैर पकड़ लेता है।
वो तब तक पेड़ के ऊपर रहता है जब तक भेड़िये इंतजार करते करते थक नहीं जाते और केडा को छोड़कर वे सभी चले जाते हैं सिवाय एक के जिसे उसने घायल किया था। वो इसे खत्म करने के लिए एक भाला तैयार करता है लेकिन वो खुद को ऐसा करने के लिए राजी नहीं कर पाता, इसलिए वो इसके बजाय इसे अनदेखा करने का फैसला करता है। केडा से भेड़िये की दर्दनाक कराह भी नहीं सुनी जाती और वो उसकी मदद करने की सोचता है लेकिन उससे पहले वो उसका मुंह बांध देता है ताकि वो उसे काटे न। वो भेड़िये को उठाता है और उसके घाव को साफ करने के लिए झील में ले जाता है। अफसोस की बात है कि वे वहां लंबे समय तक आराम नहीं कर सकते क्योंकि पास में लकड़बग्घा है, इसलिए केडा भेड़िये को फिर से ले जाता है जब तक कि उन्हें एक गुफा में आश्रय नहीं मिल जाता जहां वे सुरक्षित रूप से सो सकते हैं। अगली सुबह केडा को हड्डियों का एक गुच्छा के पास एक मोटा मिलता है और इसका उपयोग एक पौधे का पेस्ट बनाने के लिए करता है जिसे वो अपने पैर पर लगाता है जबकि भेड़िया अपने मुंह को मुक्त करने का प्रबंधन करता है। यह देखकर कि जानवर बिहेव कर रहा है, केडा अपने पानी को उसके साथ शेयर करने का फैसला करता है जिसे भेड़िया इवेंचुअली बहुत सारे गुर्राने के बाद स्वीकार करता है। केडा अपनी माँ द्वारा दिए गए फर से भेड़िया के जख्म को साफ करने और उससे अपने खाने के लिए कीड़े भी शेयर करता है लेकिन कीड़े भूख मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं होते, इसलिए केडा आखिरकार अपना पहला शिकार करने के लिए पर्याप्त बहादुर हो जाता है। वो एक खरगोश को एक चट्टान से मारता है और यहाँ तक उसे पकाने के लिए आग भी लगाता है। भेड़िया उससे खरगोश लेने की कोशिश करता है लेकिन केडा उसे जल्दी से दूर धकेल देता है लीडरशिप के बारे में सबक याद करते हुए जो उसके पिता ने उसे सिखाया है। वो हमेशा पहले भोजन करके और काम पूरा होने के बाद भेड़िये को खिलाकर डोमिनेंस स्थापित करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इसके साथ कितना शेयर करता है, फिर भी भेड़िया उसे खुद को छूने नहीं देता। सर्दी जल्दी आ जाती है और केडा को बर्फ गिरने से पहले घर का रास्ता खोजना होगा। उसे नहीं लगता कि वो इसे अपने पिता के बिना कर सकता है लेकिन उसे कोशिश करनी होगी। एक साथ पर्याप्त सप्लाईज इकट्ठा करने और भेड़िये से अपने फर को वापस पाने के लिए संघर्ष करने के बाद केडा गुफा छोड़ देता है और अपने रास्ते वापस चलना शुरू कर देता है। वो फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगता है क्योंकि भेड़िया उसका पीछा करना बंद नहीं करता चाहे वो कितनी भी बार उसे जाने के लिए कहे। आखिरकार केडा हार मान लेता है और भेड़िये को अपने नए यात्रा साथी के रूप में स्वीकार करता है, यहाँ तक जब वो सीटी बजाता है तो उसे आने के लिए ट्रेन करता है। एक साथ शिकार करने का उनका पहला प्रयास एक कंप्लीट फेलियर होता है लेकिन कुछ ट्रायल्स के बाद वे अपने हमलों को सिंक करने और बहुत अधिक प्रयास किए बिना अपने शिकार को प्राप्त करने का एक तरीका खोजने का प्रबंधन करते हैं। रात में केडा अपने हाथ पर नक्षत्र टैटू का उपयोग करके दोबारा जांचता है कि वे सही दिशा में जा रहे हैं और भेड़िया उसके बगल में सोना शुरू कर देता है, यहाँ तक उसे अब खुद को छूने की इजाजत भी देता है जिससे प्रतीत होता है कि उसने भेड़िये का विश्वास पा लिया है। झील में नहाने और मछली पकड़ने में एक दोपहर बिताने के बाद केडा ने भेड़िये को अल्फा नाम देने का फैसला किया। उनकी यात्रा में इतना समय लग रहा है कि सर्दी आखिरकार उन्हें पकड़ लेती है और बर्फ गिरने लगती है। एक शाम जब वे बॉनफायर के पास भोजन कर रहे होते हैं तो भेड़ियों का एक झुंड उनके पास आता है जो अल्फा का परिवार होता है। यह जानते हुए कि अपने प्रियजनों को याद करना कैसा होता है, केडा अल्फा को उनके साथ जाने के लिए कहता है, इसलिए अब उसे अकेले यात्रा जारी रखनी पड़ती है। जैसे जैसे समय बीतता है बर्फीले तूफान आम हो जाते हैं, इसलिए केडा को हर दिन प्रोग्रेस करने में कठिनाई हो रही है, खासकर जब उसे टाओ के घर आने और रो को बुरी खबर देने का विनाशकारी सपना आता है। एक और तूफान में चलने के कुछ दिनों के बाद वो अल्फा और उसके पैक से दोबारा मिलता है लेकिन जब वो उनकी तरफ दौड़ता है तो बर्फ उसके पैरों के नीचे टूट जाती है और वो ठंडे पानी में गिर जाता है। जैसे ही उसकी माँ का फर और उसके अधिकांश टूल्स तैरते हैं दूर हो जाते हैं, केडा अपने चाकू से बर्फ पर पकड़ जमता है और अल्फा को उसे बाहर निकालने के लिए पर्याप्त बर्फ तोड़ने का प्रबंधन करता है। वे दोनों फिर से एक साथ यात्रा करना शुरू करते हैं और बाद में उस रात केडा अपने ठंडे शरीर में कुछ गर्मी वापस पाने के लिए अल्फा को गले लगाते हुए सो जाता है। कुछ और मील आगे बढ़ने के बाद उन्हें पटरियों का एक निशान मिलता है जो उन्हें एक झोपड़ी तक ले जाता है, लेकिन दुख की बात है कि मालिक की मौत हो गई होती है। उन्हें वो कोई भोजन नहीं मिलता लेकिन केडा शिकार करने के लिए धनुष और तीर पकड़ लेता है, अल्फा की चिंता को अनदेखा करते हुए खून की खांसी करता है। कुछ समय बाद दोनों खुद को एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच पाते हैं। उनके पीछे लकड़बग्घा फिर से आ जाता है लेकिन उनके आगे एक बहुत ही खतरनाक तूफान भी है, इसलिए वे तब तक दौड़ते हैं जब तक कि उन्हें छिपने के लिए एक गुफा नहीं मिल जाती। दुर्भाग्य से जगह खाली नहीं है, एक गुफा में शेर है जो उन पर हमला करने से नहीं हिचकिचाता। अल्फा इसका जमकर मुकाबला करता है जबकि केडा अपने धनुष पर तीर डालता है, सही लक्ष्य को मारने के लिए ध्यान केंद्रित करता है। वो शेर को मारने और अल्फा को बचाने का प्रबंधन करता है जो अभी हुई लड़ाई में रूप से घायल हो जाता है। जब वे बर्फीले तूफान के बीच में बहुत धीरे धीरे यात्रा करते हुए वापस जाते हैं तो उन्हें वो मूर्ति मिलती है जो पवित्र पथ का प्रतीक है, इसलिए केडा को पता है कि उन्हें अपनी मंजिल के करीब होना चाहिए। जब एक रात नॉर्दर्न लाइट उनके ऊपर दिखाई देती है तो उसकी आशा और मजबूत हो जाती है, यह एक संकेत है कि उसके पूर्वज उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अल्फा चलते रहने के लिए बहुत कमजोर है और एक दिन वो इवेंचुअली गिर जाता है। केडा अपने दोस्त को पीछे नहीं छोड़ना चाहता, वो भेड़िये को अपनी बाहों में उठा लेता है, इस फैक्ट को अनदेखा करते हुए कि वो खुद भी कमजोर है और खून की खांसी जारी रखता है। हालात इतने कठोर हैं कि केडा भी एट लास्ट गिर जाता है, लेकिन फिर वो एक सपने में उसके पास आने वाली मेमोरी से एनकरेजमेंट पाता है। यह उसके माता पिता की वो बातचीत है जिसे उसने जाने से पहले की रात में सुना था।
रो को चिंता न करने में मदद करने के लिए टाओ ने कहा था कि उसका केडा खुद से भी ज्यादा मजबूत है। अपने पिता के विश्वास से प्राप्त नई शक्ति के साथ केडा जागता है और अल्फा को फिर से उठाता है। इस तूफान के माध्यम से तब तक आगे बढ़ता जाता है जब तक कि वे एट दी एंड अपने गांव वापस नहीं पहुंच जाता। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि वे क्या देख रहे हैं और टाओ रोता है और अपने बेटे और भेड़िए को एक तंबू में ले जाने से पहले बताता है कि वो उस पर कितना गर्व करता है। केडा को पैच अप और खिलाए जाने के बाद जादूगर अल्फा की जांच करती है, जल्दी से महसूस करती है कि इसकी समस्या क्या है। अल्फा वास्तव में महिला है और वो जन्म दे रही है। सभी पपी सुरक्षित और स्वस्थ पैदा होते हैं और जनजाति परिवार के हिस्से के रूप में उनका स्वागत करती है। वर्षों बाद एक बार जब पपीज उचित एडल्ट भेड़िए बन जाते हैं तो उन्हें शिकारियों को भागीदारों के रूप में सौंपा जाता है और सर्दियों से पहले अगले महान शिकार पर ले जाया जाता है। तो कैसी लगी आपको आज की ये रिकैप वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।